नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गांव नगलराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़े के तहत हाथ धुलाई दिवस आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए हाथ धुलाई के महत्व को जाना। वहीं प्रधानाध्यापक मास्टर इकराम ने बच्चों को हाथ धुलाई से होने वाले फायदे की जानकारी दी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के गांव नगलराई स्थित कंपोजिट विद्यालय में शनिवार को हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया गया। प्रधानाध्यापक मास्टर इकराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत विद्यालय में हाथ धुलाई दिवस आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों को हाथ धुलने से होने वाले फायदों की जानकारी दी गई तथा सभी से अपील की गई कि स्वच्छता के लिए हाथ जरूर धोएं। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक मास्टर इकराम, मास्टर आसिफ फादी स्टाफ मौजूद रहा। आज कंपोजिट विद्यालय नगलराई विकास क्षेत्र चरथावल में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत हाथ धुलाई दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बच्चों को हाथों की स्वच्छता एवं शरीर की स्वच्छता को समझाया गया तथा सबको जागरूक किया गया कि वो अपने माता पिता को भी इस बारे में जागरूक करें। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर विनय कुमार गौतम और प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने किसान नेताओं व किसानों के साथ बैठक करते हुए संवाद किया और किसानों से उनकी समस्याएं सुनते हुए निस्तारण के लिए निर्देश दिए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रांगण में शनिवार को सीओ सदर विनय कुमार गौतम ने चरथावल प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह, इंस्पेक्टर अपराध राजेश सिंह, एसएसआई रेशमपाल सिंह, बिरास चौकी प्रभारी ललित कसाना, देदेडू चौकी प्रभारी शिव सिंह नागर, कुटेसरा चौकी प्रभारी वरुण कुमार तिवती आदि पुलिस स्टाफ संग मिलकर भारतीय किसान यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा और उनकी टीम भी किसानों के साथ बैठक करते हुए संवाद किया। इस अवसर पर सीओ सदर विनय कुमार गौतम ने किसान नेताओं व किसानों के परिचय कराते हुए समस्याएं पूछी। सीओ सदर विनय कुमार गौतम को किसानों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सीओ सदर ने शीघ्र ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। कार्रवाई करना चाहिए और सम्मान भी रहना चाहिए। कम से कम हमारे सर्किल की, हमारे थाने की कोई बात बाहर भी नहीं जानी चाहिए। कोई आपस में हमारी बात है, कोई अगर हमसे गलती हुई है तो आप उसे बता दें, हम उसे संभालने का प्रयत्न करेंगे। आपसे कोई गलती हुई है तो हम उसे बताएंगे। आधी बातें तो कम्युनिकेशन गैप के कारण खराब हो जाती हैं कि हम बात नहीं कर पाते। जब आपस में संवाद स्थापित नहीं होता तो बातें खराब होने लगती हैं। हम आपसे पीछे हटने लगते हैं, आप हमसे पीछे हटने लगते हैं। वैसे मैं पुलिस में मेरा लंबा समय रहा, 28 साल मेरे कंप्लीट हो गए पुलिस के, और मेरे पापा जी भी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, मेरे दादाजी भी पुलिस में इंस्पेक्टर थे और मेरे ससुर भी पुलिस। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा बस स्टैंड के पास से पुलिस ने थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर हुई कुंडल लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उक्त घटना में शामिल दो लुटेरों को पुलिस पहले ही मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे को जेल भेज दिया है। दरअसल सीओ सदर विनय कुमार गौतम के कुशल निर्देशन में चरथावल प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने एसएसआई रेशमपाल सिंह, कुटेसरा चौकी प्रभारी वरुण कुमार तिवतिया ने थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर हुई लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे शातिर लुटेरे अजय उर्फ अजा पुत्र गौतम निवासी कोटेसरा को गिरफ्तार किया। सीओ सदर विनय कुमार गौतम ने बताया कि पकड़ गए अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 29 अप्रैल की रात्रि गांव रोनी हरजीपुर व 18 जून की रात्रि गांव मुथरा में रात्रि में घर में सोती महिलाओं के कान से कुंडल छीनकर ले गए थे। उक्त घटना में राजेंद्र पुत्र हरज्ञान निवासी बोकरेडी थाना भोपा, पतंगा उर्फ चांद पुत्र गोपाल निवासी इनामपुरा बिजनौर और अजय उर्फ अजा पुत्र गौतम का नाम प्रकाश में आया था। अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि उसने अपने साथी राजेंद्र और पतंगा और प्रशांत के साथ मिलकर गांव रोनी हरजीपुर व गांव मुथरा में घर में सोती महिलाओं के कानों से कुंडल छीन कर ले गए थे। उसके दोनों साथियों को पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये महिलाओं के साथ कुंडल लूट की घटनाओं में शामिल गैंग है। इसके जो पूर्व सदस्य हैं वो पुलिस एनकाउंटर में घायल होने के बाद जेल गए थे। ये पुलिस से बचने के लिए यहाँ से बाहर भाग गया था। इसमें कई टीमें लगी, 4 टीम लगी। इसमें कुटेसरा चौकी इंचार्ज एसएसआई साहब और इंस्पेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया और ये लीड हमारे जो अंडरटेकिंग आईपीएस अफसर थे उनकी थी। उसी पे इसको पकड़ा गया है रात में और आज इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में किशोर के ऊपर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर स्वामी कल्याण देव स्कूल मगनपुर नहर पटरी से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान करते हुए जेल भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में किशोर के ऊपर चाकू से हमला करने के मामले में वांछित चल रहे आरोपी हरिओम पुत्र पाशाह निवासी गांव रोनी हरजीपुर को मुखबिर की सूचना पर चरथावल प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बिरास चौकी
प्रभारी ललित कसाना ने स्वामी कल्याण देव स्कूल मगनपुर नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने पकड़ गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस के अवसर पर सीओ सदर विनय कुमार गौतम और प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने फरियादों की समस्या को सुनते हुए निस्तारण हेतु अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना समाधान दिवस में सीओ सदर विनय कुमार गौतम और प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने फरियादों की समस्याएं सुनते हुए अधिकतर समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कराया। समाधान दिवस में अधिकतर समस्याएं जमीन संबंधी आई, जिन समस्याओं का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका उनका जल्द ही निस्तारण करने का अधीनस्थों को आदेश दिया गया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।